ना कोई पाप महार। कोई पाप महान ये जीवन अपना व्यर्थ गवाती, आज जीवन मिला ये जीने को खुद पे तू तरस न खाती। लड़की नदी में कूदकर जान देने का कारण क्या है? डरने की बात नहीं है, डरो मत। बोलो क्यों जान देना चाहती हो? आपने मुझे बचाया क्यों? क्या बातें करते हो? मेरा बचाने का तो धर्म ही है और मेरा पैसा भी है लोगों को बचाने का। तुम डरो मत, तुम्हें यकीन हो जाए इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं क्राइम ब्रांच का सीआईडी इंस्पेक्टर हूं, तेरी मदद करूंगा। हवलदार, इसकी समस्या जो भी है उसको लिखो, यानी कि एफआईआर दर्ज करो। ए लड़की इधर आ, इधर आ। क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? मेरे भैया का खून कर दिया गया। ओहो, तब तो रोना। वो रो रही है, तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो, प्यार से बात करो यार। जरूरी नहीं है कि हर किसी को मुजरिमों से जैसे बात किया जा रहा है ऐसे बात कर रहे हो उससे। तुमको ध्यान है, रो रही है उससे प्यार से बात करो जरा, ठीक है? सर बोल, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। तेरा नाम क्या है? प्रिया। क्या नाम है? प्रिया नाम है। है? कान से बहरे हो, सुनाई नहीं पड़ता, तीन बार बताई है नाम। पन्ना पलटना पड़ता तो वही चीज तीन बार पूछ रहे हो, बेवकूफ। नहीं तो लिखो, पूछ के जल्दी से। ए लड़की क्या नाम है तेरा? मेरा नाम प्रिया है। तेरा नाम पुरिया है? क्या नाम है? प्रिया। ओहो प्रिया, तेरा नाम प्रिया है। तेरे बाप का नाम? पता नहीं। तेरे भाई का नाम? तेरे भाई क्या नाम है? मेरे भाई का नाम सावन है। ऐसे बोलना, तेरे भाई का नाम सावन है। तेरे भाई का नाम क्या है? सावन। सावन, सावन। तेरे साथ क्या क्या हुआ? मेरे भैया को पता नहीं कौन सा ठाकुर, उसका नाम नहीं जानती, लेकिन वो हराम ज्यादा मेरे भैया को 2000 खातिर 20,000 रुपये मांगने लगा। इसीलिए मेरे भैया को तो कमीना मेरे भैया को गोली मार दिया। साला कैसा 2000 खातिर 20,000, इसका मतलब कितना साला प्याज ले रहा है? समझ में नहीं आता है, इस साला 2000 के बदले 20,000 और उसके बदले साला गोली भी मार दिया। इस साला कैसे आमदनी है भोसड़ी वाला? आमदनी कमाई अठन्नी, खर्चा नहीं। नहीं वो आदमी। हाँ आदमी, आदमी कैसा आदमी है साला? हाँ कैसा आदमी, अच्छा आदमी नहीं है। एफआईआर हो गई? हाँ लिख ले आई। उसको गिरफ्तार करने का बंदोबस्त करो। उसको साले पकड़ के ना, हाँ अंदर डाल देंगे साले। अंदर कहाँ? जेल के अंदर। तो ऐसे का नहीं बात करते बेवकूफ। चलो ठीक है, साइड पकड़े हो जाओ। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया ना? हाँ।
सबसे पहले रोना बंद करो तुम। रोती रहोगे तो मैं कोई बात नहीं कर पाऊंगा तुमसे। देखो मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा ली है, तुम्हारे भाई के कातिल की तलाश जल्दी से जल्दी कराऊंगा। अब अच्छा है कि तुम अपने घर में जा करके रहो और हम भी अपने घर की ओर चलते हैं। अपने घर नहीं जाऊंगी। अरे घर नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी बताओ? वो कबीला मेरे पीछे पड़ा है, आता ही होगा। अरे वो नहीं आएगा, अब उसको चिंता करने की बात नहीं। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम इतना डर रही हो, और हाँ एक बात और, तो तुम्हारा भाई नहीं रहा ना तो तुम्हें दिक्कत ही होगी। ठीक है मेरे पास आओ, मेरे घर में जगह है रहने के लिए बहुत सारी, आओ चलो। आपके साथ मैं चलूंगी तो लोग क्या कहेंगे? आओ मैडम जी, पहले कहेंगे जो कहेंगे जाएगा। आओ कहेंगे। पहले बात ध्यान से सुना करो यार, अपने मन की बात करते हो। इधर आओ। तुम्हारे कहने का मतलब मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें परेशानी होगी, लोग उल्टा सीधा कहेंगे। हाँ। अरे भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हें अपने घर ले चलूंगा, तुम्हारे लिए कोई लड़का तलाश करूंगा, तुम्हारी शादी कर दूंगा, अपने घर चली जाओगी, तुम्हारा घर बस जाएगा, और क्या चाहिए बोलो? नहीं मंजूर है। के कहे? कोई नहीं कहेगा। के सार कहे हमें बताओ पहले। बहुत बदमाश हो। कहते हैं सही बात है, इसकी बात भी सही है। क्या और क्या? तब सुन गया था, तब कह लिया जात है बिना मतलब के। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये है कि लोग कहते हैं ध्यान दे पहले ना जाता। तो चलो ध्यान दे देता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्रस्ताव दे रहा हूँ अगर मंजूर हो तो। अरे घर चेक कर लो मुझे, अरे घर चेक कर लो मुझे, दूल्हा स्वीकारी है। घर चेक कर लो मुझे दूल्हा, घर चेक कर लो मुझे दूल्हा स्वीकार है। अब तुझको दुल्हन बना लूंगा, ये इतिहार है तुझको दुल्हन। लड़की मेरे साथ चलेगी, दुनिया वाले कहेंगे कि इन लोगों में पता नहीं क्या रिश्ता है, उसका समाधान कर देता हूँ, रिश्ते का नाम देता हूँ। क्या तू मेरी दुल्हन बनना स्वीकार करेगी बता? हाँ भैया सही बात है, दुनिया सोचे इनके दोनों जने के बीच में कौन रास्ता है। रास्ता नहीं सड़क, देखो रिश्ता। रिश्ता मतलब इनकर मेहरारू हो कि मनसेदू हो, मनई सोचे लगी कहा थी हमें लागत पटाएब का मनाई कहा थे। अच्छा कोई बात नहीं, बताओ तुम्हें मंजूर है कि नहीं, क्या सोच रही हो बताओ? मैं ये सोच रही हूँ आप मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। औरतों के अंदर शंका होती है बहुत ज्यादा। देखो विश्वास पर तो दुनिया टिकी है, बस इतना तुमसे वादा कर सकते हैं कि अगर तुमसे अगर शादी करेंगे तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम छोड़ दोगे लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है।